आज हम बना रहे हैं बेसन का नमकीन चिल्ला, जिसके लिए हमें चाहिए एक कांच के बॉल में 3 चम्मच बड़े बेसन, अजवाइन, 1 हरी कटी मिर्च, 1 बारीक कटा प्याज, हरा धनिया, नमक, सूखा धनिया, अमचूर, तेल। अब हम इसको बेसन में आपके सामने अब बेसन में हम डालेंगे प्याज आधा चम्मच। अगर आपने ज़्यादा तेज खानी है तो आप मिर्च ज़्यादा तेज डाल सकते हैं। आधा चम्मच हम डालेंगे अजवाइन, जो हाथ में ठीक रखती है और खाने में भी स्वाद देता है। ये हरा धनिया हमारा, 1 चम्मच अमचूर, आधा चम्मच नमक। अब हम पानी डाल के इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, गोल अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बीच में कोई गांठ ना रहे। तब तक हमें इसको घोलते रहना है। सर्विस हमारा तैयार हो गया। अब हम गैस चला के नॉन स्टिक पैन रखा है, जिसमें हमने तेल गर्म होने के लिए पहले रखा था। अब हम इसको हम डालेंगे और अच्छे से फैलाएंगे। ये ठंडे मौसम में तो बहुत ही स्वाद लगता है खाने में। चाहे तो आप चाय के साथ खा सकते हैं, मीठी चटनी के साथ खाएं, धनिया वाली के साथ खाएं, चाय के साथ, जिसके साथ आप मर्जी ट्राई करके देखिए। इसको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और सभी को बहुत पसंद आएगा। अभी ये थोड़ा सेक हमारा ये हिलने में लग जाए तो हम इसको दोनों तरफ से होने तक हम इसको दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। सर्व कर दिया हमने बेसन का चिल्ला। अब इसको आप खा के हमें बताएं।